नमस्कार सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कुछ समय पहले आपने देखा था कि एक गुरुद्वारे के अंदर एक व्यक्ति आता है, बेअदबी करने की कोशिश करता है और वहां पर जो भी मौजूद थे सिख वो उसको उठा करके पीट पीट करके मार डालते हैं। हालांकि अब उसी को लेकर के एक और जानकारी मिली है। जानकारी के अंदर उसी शख्स की एक वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि एक फोटो उसकी आई है। फोटो के अंदर वो दिखाई दे रहा है बाहर फुटपाथ के ऊपर भीख मांगते हुए। हालांकि आपको बता देते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर बेअदबी के आरोप के अंदर उस व्यक्ति को मार पीट पीट कर जो है मार डाला था। हालांकि ये वीडियो आपको बता देती हूँ कि रविवार को गांव निजामपुर में गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी के आरोप में पीट पीट कर मार डालने की वीडियो थी। हालांकि लगातार आरोप लग रहे थे कैसे कोई एक व्यक्ति आता है और बेअदबी करके चला जाता है, लेकिन बात यह है कि बेअदबी का आरोप उसके ऊपर लगा था लेकिन उसको बुरे तरीके से भीड़ के द्वारा, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जा रहा है, उसके द्वारा पीट पीट कर मार डालना कहां तक जायज है। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने किसी और मंशा से वहां पर आकर के बेअदबी की हो, उसे पता ना हो, लेकिन आपको बता देते हैं कि फैक्ट के अनुसार अब ये बात निकल कर के आ रही है कि उस व्यक्ति की एक फोटो वायरल हुई है जिसके अंदर वो सेम कपड़ों के अंदर दिख रहा है जैसे वो फुटपाथ के ऊपर रहा करता था और जैसे वो गुरुद्वारे के अंदर बेअदबी करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है मंदबुद्धि था, पैरों के अंदर पायल पहने हुए वो फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि लगातार इसके बारे में एक SIT गठित की गई है और जांच पूरे तरीके से जारी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि गले में लाल रंग की कोटी और उसी तरह का पजामा पहनकर जो कपूरथला के अंदर लड़का पकड़ा गया था, अगर वो मंदबुद्धि था तो उसे क्या ये सजा देनी सही थी? अगर किसी से भी बेअदबी हो जाती है तो क्या उसे जान से मार दिया जाए? क्या हमारा धर्म यही शिक्षा देता है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। दो दिन पहले की बात की जाए तो बेहद ज़्यादा ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था, धूप भी नहीं निकली थी, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब दो दिन से कोहरा छटा है। रविवार, सोमवार और आज मंगलवार को कोहरा छटने के बाद धूप निकली है जिससे कहीं ना कहीं ठंड के अंदर राहत मिली है, लेकिन हिसार में पारा 0.2 डिग्री पर पहुंच चुका है। और बात की जाए मौसम पूर्वानुमान की तो आपको बता देते हैं कि अब तक जो धूप निकली हुई आपको दिखाई दे रही थी वो अब कल से नहीं निकलेगी, क्योंकि कल से कोहरा छाने का पूर्वानुमान जो है लगा दिया गया है। हालांकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर रात को 0.2 डिग्री का तापमान था, वही दिन की बात की जाए तो दिन के अंदर 21.2 डिग्री का तापमान है। अगर बात की जाए हरियाणा राज्य की तो हरियाणा राज्य के अंदर हिसार सबसे ठंडा जिला पाया गया है। अगर प्रदेश भर में ठंड के प्रकोप की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि IMD के अनुसार 21 दिसंबर को भी शीतलहर का प्रकोप रहेगा। 22 से 24 दिसंबर तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत और पानीपत में धुंध का असर हो सकता है और अगले 24 घंटे में कहीं कहीं पाला भी जम सकता है। लगातार ये आपको लाइव तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से जो है हरियाणा के राज्यों के अंदर तापमान बना हुआ है। खैर अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि सरकार की तरफ से एक नया कानून बनाया गया है और नए कानून के अंदर एक अलग ही बात रखी गई है जिसके अंदर पहले लड़कियों की शादी की उम्र जहाँ 18 निर्धारित की गई थी तो वहीं अब इस नए एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया है और ये सरकार का बेहद ही सराहनीय कदम है। लेकिन बात की जाए किसी किसी सराहनीय कदम की तो आपको बता देते हैं सरकार की तरफ से मुझे तो पहली बार ये सराहनीय कदम लगा है, लेकिन अगर विरोध की बात की जाए तो इस बात का भी विरोध होने लगा है। जी हाँ, आपको बता देती हूँ कि पूर्व PM चरण सिंह के जन्मदिवस पर 23 को जींद में सर्व खाप हरियाणा की पंचायत का आयोजन किया गया है और जो ये निर्णय लिया गया है 18 से 21 साल उम्र कर दी गई है लड़कियों की शादी की, इसका कुछ खापे विरोध कर रही है और उनका कहना है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर लड़कियों की शादी 16 की उम्र में भी कर दी जानी पड़ती है। लेकिन आप
आपको क्या लगता है कि क्या एक लड़की इतनी मैच्योर होती है जो 16 साल की उम्र के अंदर उसकी शादी कर दी जाए। हालांकि अगर बात की जाए 18 साल की, तो 18 साल तक भी कोई लड़की मैच्योर नहीं होती है कि वो एक और परिवार को संभाल पाने के लायक बन जाए। तो आपको क्या लगता है कि 21 साल की उम्र जो सरकार की तरफ से रखी गई है, क्या वो सही है या नहीं है? इसके अलावा आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड सितारे अक्सर चमकते हुए नजर आते हैं, तो वहीं बॉलीवुड सितारा ऐश्वर्या राय बच्चन की बात की जाए तो उनको आपने काफी फिल्मों में देखा होगा, और ये भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की वो बहू है, यानी कि बिग बी, जिनका बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा नाम है, उनकी बहू के रूप के अंदर अब वो जानी जाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये निकल कर के आई है, एक पनामा पेपर लीक हुआ था जिसके अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े फिल्म सितारे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स का नाम जुड़ा था, वहीं अब ऐश्वर्या राय का नाम इसके अंदर जुड़ गया है। आपको बता देते हैं कि ऐश्वर्या राय को 2 बार समन भेजा था लेकिन वो मौजूद नहीं हुई, तो अगली बार 3रे समन के अंदर वो मौजूद हुई है कल, और ईडी ने उनसे जो है लगातार पूछताछ की है। और आपको बता देते हैं कि सामने आए थे 714 भारतीयों के नाम इस पनामा पेपर लीक के अंदर। लेकिन अब बात आती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ क्या किया गया, तो आपको बता देते कि ऐश्वर्या राय बच्चन से 2016 के पनामा पेपर्स लीक से जुड़े मामले में ईडी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है। वो दोपहर में ईडी दफ्तर पहुंची थी और शाम 7 बजे बाहर आई। ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली थी, इससे पहले उनके पति अभिषेक से पूछताछ की जा चुकी है। मामले में अमिताभ बच्चन का नाम भी सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या एक कंपनी के शेयर होल्डर थी और कंपनी को 2008 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जो है सारी की सारी कंपनी उनके नाम कर दी गई थी। इसको लेकर भी ईडी ने लगातार पूछताछ की है ऐश्वर्या राय से। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है जिसे संयुक्त जो है नाम दे दिया गया है। हालांकि बताती हूँ, संयुक्त किसान संघर्ष पार्टी का नाम उन्हें दिया गया है। लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, उसकी आहट अभी भी पंजाब के अंदर बरकरार है। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, वैसे वैसे पंजाब के अंदर लगातार किसान आंदोलन दोबारा से चलने लगा है, और इसी का एक उदाहरण कल पेश किया गया है। पंजाब में किसानों ने रेल रोक ली और 39 ट्रेनें रद्द कर दी गई। वैष्णो देवी से सैकड़ों श्रद्धालु जो है फंस गए वहीं पर। पंजाब के किसान एक बार फिर से रेल ट्रैक पर लौट आए हैं। किसान संघर्ष कमेटी ने सोमवार से राज्यव्यापी रेल रोको अभियान शुरू कर दिया है। किसानों ने पंजाब के 4 स्थानों पर रेलवे ट्रैक जाम किया। इनमें जांडियालवाला से मानवाला ट्रैक, जालंधर पठानकोट रेल ट्रैक, टांडा उड़मुड़ फिरोजपुर ट्रैक और अमृतसर खेम करण रेल मार्ग जो है शामिल थे। रेलवे ने रूट डाइवर्ट किए हैं। रेल खाप होने से वैष्णो देवी में पहुंचे कई श्रद्धालु फंस गए। फिरोजपुर मंडल में 39 ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी क्या इस तरीके से रेल ट्रैक जाम करना, आम जनता को परेशान करना जायज है? खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि नंगथला, यानी कि हिसार अग्रोहा के समीप एक गांव पड़ता है नंगथला, वहां पर एक दिल दहला देने वाला वाक्य सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो प्रिंटिंग प्रेस का काम किया करता था, उसने सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को जान से मार डाला, और उसके बाद खुद किसी एक विकल के सामने कूद करके अपनी जान दे दी। हालांकि आपको बता देते कि 3 बच्चों के खाने के अंदर जहर मिलाया गया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उसके सिर के ऊपर वार किया गया, ऐसे ही पत्नी को मारा। उसके बाद वो व्यक्ति रात को निकलता है, रात को निकलने के बाद रोड के ऊपर व्हीकल्स जो आते हैं तेज रफ्तार में, वहां पर कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी जेब से एक नोट लिखा हुआ मिलता है कि मैं अपने 3 बच्चों, अपनी पत्नी को मार करके खुद सुसाइड कर रहा हूँ। खैर, आपको क्या लगता है कि इतने दिल दहला देने वाला व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है? लेकिन अगर इसी व्यक्ति की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ, जो ये व्यक्ति है वो समाज सेवी और पशु पक्षी प्रेमी भी था। इसने बहुत सारे पक्षियों के लिए पिंजरे भी लगाए थे, खाना पानी भी डाला करता था। तो ऐसे कैसे ये व्यक्ति किसी की बातों में आकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए, केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को मार सकता है, अपना पूरा का पूरा परिवार खत्म कर सकता है? खैर, इसकी जांच के अंदर पुलिस जुट गई है। आपकी जो भी राय है इस बारे में वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।